केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। What is his name? Okay, I understand the protocol. What is his code name? Bell Bottom. इस वीडियो में बात करेंगे बेल बॉटम फिल्म की। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि काफ़ी शानदार फिल्म है और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। अक्षय कुमार सर, वाणी कपूर, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी और दोस्तों रंजीत एम तिवारी के डायरेक्शन में बनी हुई यह फिल्म बेल बॉटम चार चांद लगाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म होगी जो हाल अभी हम सबके बीच में थिएटर पर रिलीज होगी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं हो जो कि थिएटर पर रिलीज किया गया हो। अब दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म का बजट बताया जा रहा है 90 से 110 करोड़ के बीच में और वहीं पे लगभग 3000 स्क्रीनों पर इस फिल्म को लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म की म्यूजिकल राइट, थिएटर राइट्स कितने में बेचे हैं। दोस्तों इस फिल्म के थिएटर राइट बेचे हैं 80 करोड़ रुपये में। वहीं इस फिल्म को म्यूजिकल राइट बिके हैं 20 करोड़ रुपए में। वहीं इस फिल्म के सैटेलाइट राइट बिके हैं 80 करोड़ रुपए में। अब दोस्तों हम बात करें इस फिल्म के OTT राइट्स कितने में बिके हैं। तो इस फिल्म के OTT राइट्स बिके हैं 65 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों जहां पर फिल्म का बजट है 110 करोड़ रुपए, वहीं पे दोस्तों ये फिल्म ऑलरेडी 235 करोड़ रुपए के कारोबार कर लिया है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म 125 करोड़ रुपए की प्रॉफिट में अभी तक चल रही है। तो दोस्तों इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर हिट हो गया। अगर दोस्तों हम बात करें कि ये फिल्म अपने पहले ही दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, तो दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि इस फिल्म के ना आगे कोई फिल्म है ना कोई पीछे फिल्म है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी लंबे टाइम तक हम लोगों को बीच में और थिएटर में चलेगी और दोस्तों ये फिल्म कलेक्शन भी काफ़ी तगड़ा करेगी और काफ़ी टाइम बाद कोई सी अच्छी फिल्म थिएटर पर रिलीज होने जा रही है, वो भी सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की थिएटर में फिल्म लगी हो और पब्लिक ना देखे, ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल सकता है। जिस कारण से लग रहा है कि ये फिल्म कम से कम अपने शुरुआती दिन 30 या 35 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है। वैसे दोस्तों आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर करिएगा।